हाय फ्रेंड्स, तो आज सुबह सब सोकर उठी तो देखा मैंने एक बहुत अच्छी सी डिश तैयार है। तो मुझे पता चलता है एक मम्मी का कॉन्टेस्ट और ये सिवई मैंगो बास्केट टाइप की कुछ बनी हुई थी, तो मैंने उसे टेस्ट किया, मुझसे रहा नहीं गया, वो बहुत ही मज़े की बनी थी। और फिर हम निकल गए मॉल की तरफ क्योंकि आज फिनिक्स मॉल जाना है, वहीं पर कॉन्टेस्ट है और मुझे गिफ्ट्स वगैरह भी लेने हैं क्योंकि आज अफजिया की बर्थडे है और खलीफा की बर्थडे है, तो बस सबकी शॉपिंग भी करनी थी। तो हम सब साथ में निकल जाते हैं अपनी फैमिली, और यहाँ जाके मुझे दिखता है कि काफ़ी चेयर वगैरह पड़ी है, मतलब एक प्रोग्राम टाइप का बनेगा यहाँ पर होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे फिनिक्स मॉल। यहाँ पे आज मैं इसलिए आई हूँ कि आज मेरी मम्मी का कॉन्टेस्ट है कोई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो मैं उनके साथ आई हुई हूँ। साथ ही में अफजिया की बर्थडे, उसका गिफ्ट भी लेना है। और आज मैं मॉल आई, संडे है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर और आप देख सकते हैं। जस्ट मैंने एंट्री ली है और बाहर इसका पूरा डेकोरेशन बना है जहाँ पर कॉन्टेस्ट होगा। पहले मॉल में एंट्री लेके आपको जंगल किंगडम दिखेगा जहाँ पे आप बहुत ढेर सारी सेल्फी वीडियो फोटोज़ ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जैम पैक था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आज संडे का दिन, ऊपर से वहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह, इसकी वजह से जितना रश नहीं मिल रहा था उससे डबल ट्रिपल रश हमें मिला। साथ में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, उसका शोर भी आ रहा था, तो डिस्टर्बेंस होगी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे अभी बोला गया है फूड कोर्ट जाने को, तो मेरी मम्मी और मेरे भाई लोग फूड कोर्ट जा रहे हैं और मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ मॉल। और मैं देख रही हूँ कि मुझे अफजिया का गिफ्ट कहाँ से लेना है। मुझे एक चीज़ लेनी है, बाकी मैं सारा कुछ ले चुकी हूँ ऑलरेडी, तो बस जो लेना है वो मैं लेती हूँ और आपको दिखा रही हूँ मैंने क्या लिया। साथ में काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है मॉल में आज और काफ़ी ज़्यादा रौनक है। इससे पहले जो मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था उसमें आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, बट आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस मॉल में आकर, फीलिंग गुड। तो मॉम लग गई थी कॉन्टेस्ट में, भाई लोग अपना बैठे थे, तो मैंने सोचा मैं अपना मॉल एक्सप्लोर कर रही थी। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अकेले मॉल एक्सप्लोर कर रही थी, ऐसे मेरे साथ मेरी फ्रेंड होती, कज़न्स होती, कोई ना कोई होता है। आज मैं अकेले एक्सप्लोर कर रही थी और अकेले मैं इंजॉय कर रही थी अपनी खुद की कंपनी, क्योंकि जहाँ कॉन्टेस्ट था वहाँ मैं कितना किसी को जानती भी नहीं थी मम्मी के अलावा, तो सब अपना लगे हुए थे और मैं अकेले यहाँ एक्सप्लोर कर रही थी और आपको एक्सप्लोर करवा रही थी क्योंकि मैं अकेले इंजॉय कर लेती हूँ। शॉपिंग नहीं करनी है लेकिन थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो वो मैं ज़रूर आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में। और बाकी जो है फूड कोर्ट जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, तो सबसे पहले कुछ खा लिया जाए उसके बाद शॉपिंग करी जाए। जैसे ही फूड कोर्ट गई देखा ये तो पूरा फुल है, एक भी चेयर नहीं खाली थी, तो मैंने सोचा चलो शॉपिंग कर लें, शायद थोड़ा खाली तो हो जाता है। शॉप आ गए क्योंकि मैंने आपको दिखा फूड कोर्ट पूरा ही फुल है, ऑलमोस्ट पूरा फुल है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाती हूँ, कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो लेने हैं वो देख लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट दिख रहे हैं, बाकी जो मेन गिफ्ट है वो मैं ले चुकी हूँ, वो ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं रात में जब हम जाएंगे साथ में सेलिब्रेट। ये टिफिन बॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है अफजिया को देने के लिए, बाकी और चॉइसेस मैं देखती हूँ, अगर नहीं अच्छा लगा तो ये वाला दे दूँगी, प्यारा लगता है। कितने प्यारे पॉट्स हैं मुझे लेने अपने घर के लिए भी, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, फ्रेंडी सा, और इसका प्राइस भी लिखा हुआ है 350। ये वाले 350 के हैं, ये वाले 280 के हैं सारे लगे हुए हैं, और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे तो गिफ्ट शॉप्स वगैरह थी, तो बड़ों का डेकोरेशन आइटम और यही सब मिल रहा था। फिर टॉय एरिया आ गया जहाँ पे सॉफ्ट टॉय वगैरह मैं देख रही थी, क्योंकि उसके पास सॉफ्ट टॉय वगैरह ऑलरेडी हैं, तो मैं सोच रही थी कुछ यूनिक सा मुझे मिल जाए तो वो मैं दे दूँ, बट यहाँ पे मुझे सब नॉर्मल सा दिख रहा था, सारे सॉफ्ट टॉय जो थे वो ऑलरेडी हैं उसके पास। ये वाले इन लोगों को क्ले स्लाइम इन सब का बहुत शौक है, तो फिर फ़िलहाल मुझे ये अच्छा सा एक रबर टाइप का दिखा इरेजर्स, तो मैंने ये वाला क्यूट सा बॉक्स रख लिया फ़िलहाल। बाकी और चीज़ें मैं देखती हूँ, फिर मैं मॉल आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू आया है यहाँ से मॉल का। और फिर हम आर्चीज़ चले जाते हैं क्योंकि आर्चीज़ में मुझे लगा ही था कि यहाँ पे मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैंने बारबी वाला यहाँ पर बॉक्स देखा, बट मुझे याद आया ये तो ऑलरेडी यूज़ कर चुकी है वो। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह भी थे, स्लाइम थी, क्ले थे जो उनको चाहिए, तो बाकी मुझे अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती है। बाकी आपको मैं यहाँ पे कलेक्शन दिखा रही हूँ आर्चीज़ में, आप देखिए कितना ज़बरदस्त कलेक्शन है यहाँ पे, वाकई बहुत अच्छा है। और आर्चीज़ से आज से तो नहीं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं चॉकलेट बॉक्स वगैरह, इससे अच्छे गिफ्ट्स कहाँ ही मिलते, तो उन्होंने मुझे सब बॉक्स वगैरह हर चीज़ दिखाई। फाइनली मुझे गिफ्ट जो देना था वो मुझे मिल गया और यहाँ पर मेरा बैग रेडी हो गया गिफ्ट का।
फाइनली हमें आरजीज से गिफ्ट मिल गया है और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। थोड़ी सी मुझे अपनी शॉपिंग करनी है तो वो भी करके दिखा देती हूँ आपको। बाकी फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा सा सन्नाटा हो जाए फिर वहाँ खा के। तो जो हमें चाहिए था फाइनली मिल गया। तो अब मैं आ गई हूँ DIY और मैंने अपना गिफ्ट सबमिट कर दिया तो मुझे मिला लॉकर में रखने को। और अब यहाँ पे भी देख रही हूँ, मुझे थोड़ा सा हाउस होल्ड आइटम लेना था, अपना सैलून के लिए भी कुछ लेना है तो वो भी देख रही हूँ। यहाँ पर आओ तो कंफ्यूज हो जाओ, इतने सारे आइटम्स होते हैं। ये ट्यूलिप्स लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल ट्यूलिप्स, बिल्कुल सच में लग रहे हैं कि हाँ है। फिर हम आ जाते हैं अपनी गर्ल्स के फेवरेट सेक्शन में, हेयर बैंड सेक्शन। तो यहाँ पे आपको थाउजेंड ऑफ बैंड्स मिल जाएंगे, हर वैरायटी के स्क्रंचीज। तो मुझे स्क्रंची अच्छी लगी तो मैंने ज़रूर ली। और यहाँ पे मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ कि आपको दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक और गर्ल्स के आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पे बर्थडे की गर्ल्स वगैरह की ड्रेसेस लगी हुई हैं और उनकी फेयरी वगैरह की। यहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कॉन्टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स अलाउड थे, दैट्स वे मैं बहुत ज़्यादा आगे जाके वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। बट आपको दूर से ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, ऑडिशन वगैरह। फिर हमें भूख लगाती है तो बहुत मुश्किल से मुझे ना यहाँ पे एक जगह मिलती है तो वहाँ पे मैं खा लेती हूँ। और जल्दी से मैं खा लेती हूँ क्योंकि एकदम ऑलमोस्ट फुल था। इससे पहले मैं जितनी बार भी ये मॉल आई हूँ कभी मुझे इतना फुल नहीं मिला। आज मुझे जहाँ मिला मैंने वहीं पे खा लिया विदाउट कुछ सोचे समझे। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई जज आए थे, कोई मास्टर शेफ़ के जज थे, हम मुझे उनका नाम नहीं पता है लेकिन वो मास्टर शेफ़ में पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। तो यहाँ पे सब लेडीज़ वगैरह डिशेस वगैरह सब लगा रही थी, ये हैं वो मास्टर शेफ़ के जो आए थे और यहाँ पे वो सबको जज कर रहे हैं। और यहाँ मेरी मम्मी भी हैं बट भीड़ की वजह से मैं नहीं गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नीचे जाके शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे हमने लिफ्ट करी, आज तो इतना ज़्यादा भीड़ थी कि लिफ्ट आने में भी बहुत टाइम लग गया, 15 मिनट हमें वेट करना पड़ा। फिर हम पैंटालूंस आ जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं पैंटालूंस और यहाँ पे मैं अब अपनी शॉपिंग करूँगी। बाकी बर्थडे गर्ल की और सब शॉपिंग हो गई, बाकी आपको दिखाया मैंने ऊपर कॉन्टेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ मेरा कोई काम नहीं था। तो अब मैं अपनी शॉपिंग करने पैंटालून आ गई हूँ और यहाँ है मेरा कलेक्शन और अब हम देखना शुरू करते हैं। ये कुर्ती मुझे बहुत प्यारी लग रही है, कलर कितना प्यारा है इसका। तो यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ था और हर चीज़ पे ऑफ़र भी चल रहा था। अगर आप सूट सेट वगैरह लोगे 2500-3000 की रेंज में आपको मिलेंगे। बाकी ऑफर्स वाले भी थे, जैसे ये शर्ट वगैरह भी आप देख सकते हो 1000 की रेंज में है। तो वो तो डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ पसंद है। मुझे कुछ लॉन्ग ड्रेसेस पसंद आई तो सबसे पहले जो आउटफिट मैंने ट्राई किया वो ये था। आजकल मुझे लॉन्ग ड्रेस अच्छी लगने लगी है, फ्लोरल गर्मियों में अच्छी लगती है, तो सबसे पहले मैंने ये ट्राई किया और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी अपने ऊपर। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी थी, काफ़ी कंफर्टेबल भी थी ये मुझे। तो जो सेकंड ड्रेस मैंने ट्राई की वो ये थी और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, फ्लोरल थी बट वो वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे वो लॉन्ग ड्रेस पसंद आई तो मैंने वो कर दी। अब मैं इधर आ गई हूँ बैग सेक्शन देखने के लिए, पर्स वगैरह, ठीक है। तो अब वो देख रही हूँ, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लूँगी। फिर मैं आ जाती हूँ बैग सेक्शन में और बैग सेक्शंस में मुझे कुछ खास बैग वगैरह नहीं लग रहे थे, आप खुद देख सकते हो। तो हमने सोचा फुटवेयर देख लीजिए, उस पर भी ऑफर वगैरह चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले जाके ये ग्रे वाली ट्राई की, ये काफ़ी क्लासी लग रही थी और काफ़ी कंफर्टेबल थी तो मुझे अपने पैरों पर अच्छी लग रही थी। आप यहाँ पर देखिए मैंने ट्राई की है तो काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे पैरों पे। और इसके साथ मैं जीन्स भी पहन सकती हूँ और एथनिक क्लूथ्स वगैरह भी पहन सकती हूँ। उसी के सिमिलर कलर मुझे ब्लैक मिली तो मैंने कहा ब्लैक भी ट्राई कर लेती हूँ। आई डोंट नो, आज सैंडल की वजह से मेरे पैर रेड हो गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों थी, साथ में मुझे उन्होंने एक फ्लैट दिखाई जो कि काफ़ी कंफर्टेबल थी। और मुझे फ्लैट्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि मेरी शुरू से आदत है फ्लैट्स पहनने की, कंफर्टेबल रहती है। तो मैंने ये तो कर ही ली, साथ में ग्रे ड्रेस ले ली, ड्रेस हो गई फाइनल। तो अब मुझे इतनी अच्छी सी सैंडल्स दिख गई वो भी फ्लैट्स में, तो मैंने उसे फाइनल कर दी। मैंने आपको दिखाई वही मैंने ली है तो वो अच्छी लग रही है मुझे। मैं सैंडल ट्राई कर रही थी, साथ में वो लोग सनग्लासेस ले आते हैं और कहते हैं आप ट्राई करिए, ये करवाया फिर उसके बाद दूसरा सनग्लास ट्राई करवाया इन लोगों ने मुझे ये अच्छा लगा लेकिन लिया नहीं था मैंने। तो मैं यहाँ पे सनग्लासेस भी दे
देख रही थी अपने लिए, बट मुझे कुछ खास नहीं लगे तो मैंने नहीं लिया। बाकी मैंने फ्लैट्स लिए, ड्रेस लिए मैंने। कॉस्मेटिक सेक्शन में आ गई क्योंकि वो बार बार वो मुझसे बोल रही थी आप एक बार ट्राई करो, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी वैरायटी की क्रीम्स वगैरह दिखाई, इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करी। कॉस्मेटिक्स में आकर मैं फंस गई और मैंने कुछ लिया है कॉस्मेटिक का सामान। बाकी आज शॉपिंग हो रही है जी भर के, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं तो गई भी नहीं थी कॉस्मेटिक लेने, लेकिन वहाँ जाने के उन्होंने मुझे इतनी सारी लिपस्टिक ट्राई वगैरह कराई, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास ये सब है इस वजह से मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन अब वो कह रही थी तो मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर लो। आज मेरे पैर रंग गए हैं, साथ में मेरा हाथ भी रंग गया है क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ कॉस्मेटिक में, तो सब कुछ रंगा हुआ हो गया है। ड्रेस करी और कॉस्मेटिक हो गया मेरा। अब हम जा रहे हैं बिलिंग की तरफ, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टोर दिखाते हैं। अभी तक कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसी वजह से मेरी भी शॉपिंग चल रही है। अब सब कुछ हो जाता है तो ज्वेलरी का उन्होंने मुझे बताया कि आपने यहाँ से शॉपिंग की है तो आप यहाँ से कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हो। तो मैंने इतने सारे सेट्स निकलवा लिए, फिर मैंने कहा चलो इयररिंग भी ले लेती हूँ, तो इयररिंग्स भी ले लिए मैंने, तो बस हो गई मेरी शॉपिंग यहाँ पे। हो गया मम्मी का कॉन्टेस्ट और मेरी शॉपिंग भी हो गई, और आज बहुत ज़्यादा फिनिक्स में भीड़ है और अब हम जा रहे हैं वापस। तो हमने आपको दिखाया है छोटा सा मेरा ब्लॉग था, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स। तो हम वहाँ से लौट रहे थे तो मैंने सोचा आपको लखनऊ का पैरिस दिखा दिया जाए। तो ये दुबग्गा का बहुत बड़ा टावर है जिसको लखनऊ का पैरिस भी कहा जाता है, और ये यहाँ का रास्ता। तो ये मेरा ब्लॉग था, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम जल्दी। थैंक यू।